बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का अनवान है बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो पांचवी जमात के लिए है और लेसन नंबर है ये 12, पेज नंबर है 70। बीबी फातिमा बड़ी नेक खातून थी। तमाम बीबी फातिमा उस बड़ नेक खातून, वो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी। सस टस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कूर साहबजादी वाना कौर और हजूर इन्हें बहुत चाहते थे, मगर टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमिस बड़ टट। बीबी फातिमा की शादी हज़रत अली से हुई थी। बीबी फातिमा तम सु खानदर गो हज़रत अली सत। इनके दो बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन थे। तमिस बच इमाम हसन तो इमाम हुसैन। बीबी फातिमा बड़ी खदमत गुजार मेहनती थी। बीबी फातिमा बड़ खदमत गुजार तो बेस मेहनती। अपने शोहर और भी बच्चों की खिदमत के अलावा घर के काम, घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थे। तो ये घर मतलब पन्नस खानदार खदमत तो बेन बच्चन खदमत अलावा घर तमाम काम कार पानी कर, खाना पकाते, खान रनान, बर्तन साफ करते, बान छलान, झाड़ू देते, झाड़ू तो दवान यानी डोन फश दवान और अपने हाथों से चक्की में आटा पीसते तो बेस पन्नस मतलब चक्की मजन लकट चक्की आसान तथ मोट बिहान। इससे इनके हाथों में गठे पड़ गए थे तो अम सथन अम चक्की सट खजम। उनकी जिंदगी बड़ी तकलीफ से बसर हुई थी। तो अम सिंदगी हज़रत फातिमा यह बड़ तकलीफ दे, लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की, मगर एम कर न छोड़ न दौलत के। घर में खाना न होता, अगर न घर खान खन खतर के आसे तो वो फाका कर लेती, तो उस फाका बहवान जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करती। यूत तोत गरीबन मदद करा। कई बार ऐसा हुआ कि वह लट गो इथ पठन कि वो उनके उनके बच्चे फाके से हैं। तम सिंद बच्चे आसान फाके और फाके खाने का कुछ सामान मुहैया हुआ तो खन खतर के सामान आसान, लेकिन उसी वक्त किसी गरीब या मुसाफिर ने घर पर आकर खाने का सवाल कर दिया। तो अम टाइम कह ना तो सोच उमन सवाल करा कि मे दीतो खन खतर। बीबी फातिमा ने सारा खाना उस गरीब के हवाले कर दिया। तो बीबी फातिमा तम कौर पन सोरी खन सामान सोरे अमिस गरीबस हवाल और खुद उनके यहाँ फाके ही रहा। तो बे रूस पान पता पान रूद पता फाके। आज पर्व यूत पड़ू अको तेज गो ज्यादा पहन।